देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव। इस वक्त मैं बक्सर के सरोरा पंचायत में मौजूद हूं। आप हमारे पीछे देख रहे होंगे बहुत सारे युवा हैं और यहां पे प्रदीप सिंह कुशवाहा के प्रति जो इनके दिल में प्यार है, बस वही जानने का प्रयास करेंगे। आज ओपिनियन लेने के लिए हम इतना दूर आए हैं और ओपिनियन में जानेंगे पब्लिक का राय, आखिर क्या पब्लिक का राय है, क्या मुखिया के रूप में उनको देखना पसंद करेंगे या नहीं करेंगे। हम इनसे बात तो हो गया, हमारा तो आप देख सकते हैं हमारे साथ एक युवा है, हम इनसे बात करेंगे। प्रदीप सिंह कुशवाहा को इस किस रूप में आप देखना चाहते हैं, आइए आइए। प्रदीप सिंह कुशवाहा अभी आपका वार्ड मेंबर है, आगे उनको किस रूप में आप देखना पसंद करेंगे? चाहते हैं मुखिया प्रत्याशी है, उनका हम लोग सहयोग कर रहे हैं, उनको जिता रहे हैं, वार्ड में भी अच्छा काम किए हैं और जगह उनका चर्चा है पूरा पंचायत में, छठनाथ पंचायत में। आप लोग जाकर उनको जायजा लीजिए, पंचायत से पूरा पूछिए। उनके काम से संतुष्ट है? जी एकदम संतुष्ट है, हम लोग एकदम संतुष्ट है, 100% संतुष्ट है। वार्ड 13 नंबर में कभी भी काम देखिए आप, बहुत अच्छा काम हुआ है, कहीं पर भी छठनाथ भी जाकर देखिए, यहाँ पर भी देखिए, एकदम माने गरीबों का मसीहा के तौर से इनको देखा जाता है गांव के मेरे प्रति, कभी भी गरीबों के लिए आगे रहते हैं ये प्रदीप जी, इनको हम लोग का भरपूर समर्थन है। हमारे साथ बुजुर्ग भी, हम इनसे भी जानेंगे कि प्रदीप सिंह कुशवाहा को किस रूप में आप देखना पसंद करेंगे? अच्छा काम कर रहे हैं आपकी, मतलब विकास का काम कर रहे हैं अच्छे से। चलिए, इनका कहना है कि विकास वो कर रहे हैं, और भी हमारे साथ हैं, उनसे भी जुड़ने का प्रयास करेंगे। आ जाइए, देख करके हम सभी से बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि प्रदीप सिंह कुशवाहा एक युवा है और ये भी युवा है, युवा के दिल में कितना राज करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? क्या प्रदीप सिंह कुशवाहा के बारे में क्या सोचते हैं? प्रदीप सिंह कुशवाहा बहुत बेहतरीन मतलब प्रत्याशी हैं, वार्ड में तो बैठे तो वार्ड बंद करवाने का है, लेकिन आगे देखते हैं मुखिया का भी चांस अच्छा ही करेंगे, अभी अच्छा किए हैं तो आगे अच्छा ही करेंगे, यही हम लोग का सोच है। इसी के लिए हम इसके साथ जुड़े हुए हैं इसके बाद और जुड़े रहेंगे, क्योंकि अच्छा प्रत्याशी गरीबों का मसीहा यही। आगे इस पंचायत में सबसे बड़ा समस्या क्या है जो आपके हिसाब से होना चाहिए, अगर प्रदीप सिंह कुशवाहा बनते हैं क्या उम्मीद? हमारे यहाँ प्रदीप सिंह कुशवाहा बनते हैं तो हमारे यहाँ जो लॉबी बने रोड टूटा हुआ है, मुखिया जो ध्यान नहीं देते हैं, वो चीज़ वो करके दिखाएंगे, ये अपना अभिलाषा रखे हैं, यही चीज़ करने के लिए हम लोग भी अपने जातक के लिए इसको चॉइस में चुन रहे हैं। चलिए, ये प्रमुखता देते हैं कि नली गली जो सड़क टूटी हुई है उसको ये बनवाने का प्रयास करेंगे, अगर बन जाते हैं प्रदीप सिंह कुशवाहा तो उनसे ये उम्मीद करते हैं। और भी लोग हैं, आ जाइए, इनसे भी बात करेंगे। आपका क्या नाम? मेरा नाम श्रीकांत सिंह है। प्रदीप सिंह कुशवाहा अभी वार्ड मेंबर हैं आपका, आगे वो भावी मुखिया प्रत्याशी के रूप में उभर के आ रहे हैं, किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, हमारे गांव में जो भी मुखिया बना सके साल पहले अभी तक कोई विकास नहीं होगा, हमारा प्रदीप छोटा लड़का है, मुखिया बनेगा पूरे विकास होगा, हमारे गांव में गंद नहीं। सबसे पहले आपके गांव में कौन सा काम होना चाहिए? अगर हमारे गांव में सबसे पहले रोड निकालना चाहिए, हमारे गांव में रोड नहीं है, कोई भेटीएम अधिकारी आता है तो पैदल आता है, हमारे गांव में रोड होना चाहिए, लगभग आधा सुधा गली बन गया, आधा नहीं बना है। और दूसरा नंबर? दूसरा नंबर शिक्षा। चलिए, सबसे पहला सड़क बनना चाहिए, शिक्षा और स्वास्थ्य पे फोकस करेंगे, यहाँ के जनता बोल रहे हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक कर लें।